नमस्कार, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश पैडागोजी PYQ की क्लास, जिसमें आपकी इंग्लिश की PYQ AQ की रिविजन हो जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में आप भी अपने आंसर देते रहिएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। व्हेन प्लानिंग अ लेसन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन शुड बी लोवेस्ट इन प्रियोरिटी। ऑप्शन ए है, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी शुड यू डू फर्स्ट इन द लेसन इफ स्टूडेंट्स आर टायर्ड। ऑप्शन बी है, व्हाट एंड हाउ मच मटेरियल कैन योर स्टूडेंट कोप विद। ऑप्शन सी है, इज द टीचर विलिंग टू टीच द लेसन। ऑप्शन डी है, इज देयर समथिंग यू कैन सब्स्टिट्यूट और एड टू इंक्रीज स्टूडेंट मोटिवेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज शुड यू डू फर्स्ट इन द लेसन इफ स्टूडेंट्स आर टायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन मंडे द रीडिंग एक्टिविटी ऑन स्पोर्ट्स एंड गेम्स एंड स्पीकिंग एक्टिविटी ऑन इंटरनेट स्कैन टू हैव टू थीमेटिक कनेक्शन विद ईच अदर, इट वुड बी अ गुड आइडिया टू। ऑप्शन ए है, प्लान अ ग्रामर एक्टिविटी ऑन नेमिंग वर्ड्स एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स विद रीडिंग। ऑप्शन बी है, थिंक ऑफ अ स्पीकिंग एक्टिविटी दैट रिलेट्स टू स्पोर्ट्स एंड गेम्स। ऑप्शन सी है, थिंक ऑफ अ स्पीकिंग एक्टिविटी दैट रिलेट्स टू स्टूडेंट एक्सपीरियंस। ऑप्शन डी है इसका, प्रैक्टिस कम्युनिकेशन लैंग्वेज यूज इन एवरीडे लाइफ इन आवर सराउंडिंग। राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, थिंक ऑफ अ स्पीकिंग एक्टिविटी दैट रिलेट टू स्टूडेंट एक्सपीरियंस, जो स्टूडेंट के एक्सपीरियंस से रिलेट करती हो, ऐसी एक्टिविटी करवानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा इनमें से गलत है। ऑप्शन ए है, मदर टंग शुड नॉट बी यूज्ड व्हेन टीचिंग अनदर लैंग्वेज। ऑप्शन बी है, टेक्स्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन नीड टू बी यूज्ड इन द करिकुलम। ऑप्शन सी है, ग्रामर शुड बी टॉट इन कंटेक्स्ट। ऑप्शन डी है, थीमेटिक अप्रोच इज एन इफेक्टिव वे फॉर टीचिंग वोकैबुलरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, मदर टंग शुड नॉट बी यूज्ड व्हेन टीचिंग अनदर लैंग्वेज। क्या पूछा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा गलत है इसमें से। इन्होंने क्या कहा है कि मदर टंग शुड नॉट बी यूज्ड, जो मदर टंग है उसको यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। कब, जब बच्चे को क्या सिखाया जा रहा है, अनदर लैंग्वेज, जब उसको दूसरी भाषा सिखाई जा रही है तब बच्चे को अपनी जो मदर टंग है वो यूज़ नहीं करनी चाहिए, जो कि आपका गलत है। क्योंकि जब बच्चा मदर टंग को यूज़ करेगा, मदर टंग की हेल्प से ही वो अदर लैंग्वेज को सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ऑप्शन ए है, लैंग्वेज लेसन्स शुड नॉट इनकॉर्पोरेट नॉलेज फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स। ऑप्शन बी है, टेक्स्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन नीड टू बी यूज्ड इन द करिकुलम। ऑप्शन सी है, प्रोनाउंसिएशन शुड बी टॉट इन कंटेक्स्ट। ऑप्शन डी है, कलेक्शन इज एन इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग वोकैबुलरी। आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, प्रोनाउंसिएशन शुड बी टॉट इन कंटेक्स्ट। आपको कोई भी जो सिखाया जा रहा है वो आपको कंटेक्स्ट संदर्भ में सिखाया जाना चाहिए, विदाउट एनी मीनिंगलेस सीखना नहीं है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन अ लेसन ऑन लिसनिंग इज इनकरेक्ट। ऑप्शन ए है, यूजिंग ऑथेंटिक मटेरियल्स फॉर रियल टाइम लिसनिंग प्रैक्टिस। ऑप्शन बी है, लर्निंग हाउ टू प्रोनाउंस स्पेसिफिक वोकैबुलरी आइटम्स। ऑप्शन सी है, प्लेइंग द लिसनिंग पैसेज ओनली वंस। ऑप्शन डी है, प्लेइंग द पैसेज विद बैकग्राउंड नॉइस। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी, प्लेइंग द पैसेज विद बैकग्राउंड नॉइस। क्या पूछा है आपका, इनकरेक्ट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स गाइडिंग द नेचुरल प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग ड्यूरिंग द लर्निंग ऑफ द मदर टंग।
ऑप्शन ए है लर्निंग टू राइट इज नॉट अ प्रियोरिटी, ऑप्शन बी है लर्निंग बाय डूइंग प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल, ऑप्शन सी है एम्फेसिस ऑन कन्वेइंग द मैसेज रैदर देन एक्यूरेसी ऑफ लैंग्वेज, ऑप्शन डी है लर्नर्स आर करेक्टेड एवरी टाइम दे गेट समथिंग रॉन्ग। यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लर्नर्स आर करेक्टेड एवरी टाइम। ये नहीं कह सकते कि जो लर्नर है आपके वो क्या है गलत है, क्योंकि वो गलत हो सकते हैं कुछ कभी कभी, ये नहीं है कि वो जब भी काम करेंगे तभी वो गलत होंगे। लर्नर्स आपकी क्या होंगे आर करेक्टेड एवरी टाइम गेट दे गेट समथिंग रॉन्ग, कभी कभी गलत हो सकते हैं। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रीडिंग लेसन, ऑप्शन ए है गेटिंग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट, ऑप्शन बी है लुकिंग हेडलाइंस एंड पिक्चर्स टू गेस व्हाट द टेक्स्ट विल बी अबाउट, सी है अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग दैट इज नॉट इमीडिएटली ऑब्वियस, डी है आइडेंटिफाई इनोटेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी, आइडेंटिफाइंग इंटोनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिसनिंग इज डिफिकल्ट टू टीच फॉर वर्सियस रीजन्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज इन अप्रोप्रिएट, ऑप्शन ए है टीचर्स आर अनफैमिलियर विद सब स्किल्स ऑफ लिसनिंग, ऑप्शन बी है वी हैव बेटर नॉलेज ऑफ टीचिंग अदर स्किल्स, ऑप्शन सी है वी डू नॉट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्शन डी है लिसनिंग इज नॉट गिवन इट्स ड्यू प्लेस इन द करिकुलम। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, टीचर्स आर अनफैमिलियर विद सब स्किल्स ऑफ लिसनिंग में लिसनिंग लर्निंग लिसनिंग। नेक्स्ट है आपके पास, जयश्री इज प्लानिंग टू टीच अ लेसन ऑन स्पीकिंग, शी यूजेज टू लैंग्वेजेस इन हर क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन मल्टीलिंगुइज्म इन इज इन अप्रोप्रिएट, ऑप्शन ए यूजिंग मोर देन वन लैंग्वेज इन अ स्पीकिंग क्लास, ऑप्शन ए है डिसएडवांटेजेस स्टूडेंट कॉग्निटिवली, बी है इज अ पॉजिटिव अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग विच इज वर्थ अडोप्टिंग, ऑप्शन सी है इज अ नेचुरल सर्कमस्टांस, ऑप्शन डी है फैकल्टीज द सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज इन द इंडिपेंडेंट कंटेक्स्ट। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिसएडवांटेजेस स्टूडेंट्स कॉग्निटिवली, क्योंकि आपका इनअप्रोप्रिएट पूछा था ना, आपका अनुपयुक्त क्या है आपका संज्ञानात्मक को क्या उनके लाभ न पहुँचाना। नेक्स्ट है आपका, सविता इज गोइंग टू टीच अ लेसन ऑन लिसनिंग, शी यूजेज टू लैंग्वेज वाइल टीचिंग हर क्लासेस, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस इज इनअप्रोप्रिएट इन अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, ऑप्शन ए है स्टूडेंट्स कैन राइट द साउंड ऑफ द वर्ड दे हियर इन देयर मदर टंग दस डेवलपिंग देयर लेटर साउंड कॉरस्पोंडेंस इन द टारगेट लैंग्वेज, ऑप्शन बी है सी एनकरेज स्टूडेंट्स टू थिंक ऑफ कॉग्नेट्स वर्ड्स विद सिमिलर स्पेलिंग ग्लास हिंदी में भी और इंग्लिश में भी एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर बाइलिंगुअल रीडर्स, सॉरी ऑप्शन सी है सी डिवाइड्स द क्लास इंटू पेयर्स एंड अपॉइंट्स द पर्सन विद बेटर प्रोफिशिएंसी इन ईच पेयर एज द टीचर, ऑप्शन डी है स्टूडेंट्स समराइज द टेक्स्ट इन द फर्स्ट लैंग्वेज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इन द सेकेंड लैंग्वेज। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शी डिवाइड्स द क्लास इंटू पेयर्स एंड अपॉइंट्स द पर्सन विद बेटर प्रोफिशिएंसी इन ईच पेयर्स एज द टीचर। नेक्स्ट है आपका, प्लुरिलिंगुअल अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग डज नॉट एम्फेसिस, ऑप्शन ए है एम्फेसिस डाइवर्सिफाइंग द लैंग्वेज इज ऑन ऑफर इन द एजुकेशन सिस्टम, ऑप्शन बी है एनकरेज स्टूडेंट्स टू लर्न मोर देन वन लैंग्वेज, ऑप्शन सी है कंसाइडर लैंग्वेजेस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग सोशियो कल्चर एक्सपीरियंस एज सेपरेट मेंटल कॉम्पार्टमेंट्स, ऑप्शन डी है एम्फेसिस एंड इंडिविजुअल लिंग्विस्टिक एंड कॉग्निटिव एंड द सोशल एंड कल्चर कंटेक्स्ट ऑफ द लैंग्वेज। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंसाइडर लैंग्वेज एंड द कॉरस्पॉन्डिंग सोशियो कल्चर एक्सपीरियंस एज सेपरेट मेंटल कंपार्टमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर फोर डोमेन्स ऑफ लैंग्वेज यूज, पर्सनल पब्लिक ऑक्यूपेशनल एंड एजुकेशनल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
लीस्ट लाइकली टू फीचर इन द फॉर्मल ऑक्यूपेशनल डोमेन। ऑप्शन ए है व्हाट्सअप मैसेज, ऑप्शन बी है ईमेल बिटवीन कॉलेजेस, ऑप्शन सी है लेटर्स ऑफ कंप्लेंट, ऑप्शन डी है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। यहाँ पर आपका डोमेन पूछा गया है। जैसे आपके पास एक आप जो बात करते हैं, एक आपके पास होता है BICS और एक आपके पास होता है CALP। इसमें ये क्या आपका जो ये आई BICS होता है, ये आपको होता है अनौपचारिक। ये क्या होता है आपका अनौपचारिक, जिसको आपके और जो आपका ये कार्प होता है आपका CALP, ये होता है आपका औपचारिक। अब इनको डिफाइन कैसे किया जाता है, जो आपका अनौपचारिक है, और अनौपचारिक में क्या होता है कि आप अपने फ्रेंड से अपने ही लैंग्वेज में बात कर सकते हो। जब आप अपने फ्रेंड सर्कल में बात करते हो तब वहाँ पर आपकी कोई औपचारिकता नहीं होती, आप उसमें क्या करते हो इनफॉर्मल में ही आप अपने फ्रेंड से बात कर लेते हो। लेकिन जब आप क्या करते हो, जब आप टीचर से पढ़ते हो, कोई लेटर लिखते हो, तब आप क्या करते हो वहाँ पर आपको औपचारिकता की ज़रूरत होती है। और जहाँ पर आपको औपचारिकता की ज़रूरत होती है वहाँ पर क्या किया जाता है आपका CALP का आपके यूज़ किया जाता है। इसलिए आपका ये इसमें दिया हुआ पूछा हुआ है कि जो आपकी अनौपचारिक इसमें जो भाषा है आपकी, उसको क्यों इसको रखा गया है। इसको इसलिए रखा गया है क्योंकि जब बच्चे के साथ फ्रेंड सर्कल में बात होती है तब वो किसको यूज़ करता है, अपनी BICS को। और जब बच्चा एक टीचर के साथ या फिर कुछ लिखने के किताब से पढ़ने के लिए लिखने के लिए क्या करता है, अपनी औपचारिक भाषा का प्रयोग करता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन था ये, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, व्हाट्सएप मैसेज। यहाँ पर क्या होगा, आप क्या कर सकते हो, इसमें आपको किसी फॉर्मल लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर आप अपनी जो इनफॉर्मल लैंग्वेज आपकी जो अनौपचारिक भाषा है उसको भी आप यहाँ उपयोग में लाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सटर्नल कंडीशन अंडर विच कम्युनिकेशन ऑकर्स इम्पोजेज वर्सेस कंसनट्रेंट्स ऑन द लैंग्वेज यूजर फिजिकल कंडीशंस फॉर स्पीच टू नोट इंक्लूड। ऑप्शन ए है क्लैरिटी ऑफ प्रोनाउंसिएशन, ऑप्शन बी है एम्बियंट नॉइस, ट्रेन्स हो गया आपका, ट्रैफिक और स्टैटिक एट्सेट्रा, ऑप्शन सी है पुअर प्रोडक्शन ऑफ प्रिंट, ऑप्शन डी है डिस्टोरेंस जिसमें टेलीफोन लाइन्स एंड पब्लिक एड्रेस सिस्टम आता है आपका। इसमें पूछा आपका एक्सटर्नल कंडीशंस अंडर विच कम्युनिकेशन, तो आपकी एक्सटर्नल क्या होंगी, बाहरी जो कंडीशंस होंगी आपकी कौन सी हो जाएंगी, इसमें पुअर प्रोडक्शन ऑफ प्रिंट, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव टास्क टाइप फॉर टीचिंग वोकैबुलरी। ऑप्शन ए है डिक्टेशन, ऑप्शन बी है क्रॉसवर्ड, ऑप्शन सी है वर्ड लिस्ट, ऑप्शन डी है आपका रेकिटेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रेकिटेशन। रेकिटेशन क्या होता है आपका, सस्वर पढ़ना, हिंदी में होते हैं आपके जो पठन होता है आपका, पठन होता है आपका टू टाइप्स का पठन होता है, एक आपका मौन पठन होता है साइलेंट रीडिंग जिसको बोला जाता है, और एक आपका सस्वर पठन होता है, इसको लाउड रीडिंग कहा जाता है आपका, रेकिटेशन भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है लैंग्वेजेस टास्क आर व्हीकल्स फॉर प्लानिंग कैरिंग आउट एंड रिपोर्टिंग ऑन लैंग्वेजेस लर्निंग एंड टीचिंग वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट टास्क फॉर लिसनिंग। ऑप्शन ए है टीवी न्यूज़, ऑप्शन बी है ब्रॉडकास्ट, ऑप्शन सी है परफॉर्मिंग अ रोल प्लेज, ऑप्शन डी है लिसनिंग टू रेलवे अनाउंसमेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, परफॉर्मिंग अ रोल प्ले। लैंग्वेज टास्क आर व्हीकल्स फॉर प्लानिंग कैरिंग आउट एंड रिपोर्टिंग ऑन लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट टास्क, क्या हो जाएगा आपका परफॉर्मिंग अ रोल प्ले। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिवेलपिंग रीडिंग अमंग लर्नर्स। नॉट एन ऑब्जेक्टिव पूछा है आपका, इसमें क्या जाएगा आपका ऑप्शन ए डिकोडिंग ऑफ द टेक्स्ट,
ऑप्शन बी है मेकिंग मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, ऑप्शन सी है इनफरिंग रोम द इनफरिंग फ्रॉम द टेक्स्ट, यहाँ आपका फ्रॉम आ जाएगा, रिलेटिंग द टेक्स्ट विद वंस प्रीवियस नॉलेज, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए डिकोडिंग ऑफ द टेक्स्ट। इसमें आपके पास वैसे तो सारे ही सही हैं बट इसमें इंक्लूड किया जाता है आपके पास द वर्ड्स एंड टेक्स्ट, द वर्ड्स वर्ड्स एंड फर्सेस, ये आ जाएगा आपका द वर्ड एंड फर्सेस, ये तब होगा आपका डिकोडिंग द डिकोडिंग ऑफ द टेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका अ टीचर ऑफ क्लास सिक्स मेक्स हर लर्नर्स रीड द स्टोरी विच शी प्लान्स टू टेक अप द नेक्स्ट डे एंड कलेक्ट आइडियाज अबाउट द सेम, व्हाट डज द शी अटेम्प्ट टू रियलाइज हियर, ऑप्शन ए है इसमें इट इज़ अ प्री रीडिंग टास्क, ऑप्शन बी है कनेक्टिंग विद द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द लर्नर्स, ऑप्शन सी है सोशल एक्टिविटीज फॉर इफेक्टिव रीडिंग एंड लर्निंग इन द क्लासरूम, ऑप्शन डी है अडॉप्ट अ स्ट्रेटजी टू एंगेज लर्नर्स विद देयर राइटिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी कनेक्टिंग विद द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द लर्नर्स। जो टीचर है वो क्या कर रहे हैं क्लास सिक्स के लिए, हर लर्नर्स रीड द स्टोरी विच ही प्लान्स टू टेक अप द नेक्स्ट डे एंड कलेक्ट आइडियाज अबाउट द सेम, तो टीचर क्या कर रहा है उसके लिए कनेक्टिंग विद द प्रीवियस नॉलेज, वो क्या चेक कर रहा है बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को चेक कर रहा है कि बच्चों को कितना पता है उस चीज़ के बारे में। जैसे टीचर क्या करेगा बच्चों को अगर सिखाएगा टीचर प्रोनाउन प्रोनाउन सिखाएगा तो टीचर चेक करेगा कि बच्चों को नाउन के बारे में पता है या नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज ट्रू ऑफ फाउंडेशनल स्टेज इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, ऑप्शन ए है फर्स्ट 5 years ऑफ स्कूलिंग अप टू क्लास सेकेंड, ऑप्शन बी है फर्स्ट 3 years ऑफ स्कूलिंग अप टू क्लास फर्स्ट, ऑप्शन सी है फर्स्ट 8 years ऑफ स्कूलिंग अप टू क्लास फिफ्थ, ऑप्शन डी है जनरल स्कूलिंग अप टू क्लास टेंथ, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सेकेंड फर्स्ट 3 years ऑफ स्कूलिंग अप टू क्लास फर्स्ट जो आपकी होगी 3 years, ये आपकी 3 years वाली पूछी है, एक आपकी 5 years वाली है, 5 years वाली में क्या होगा आपका आपकी इसमें आ जाएगा आपकी 3, 4, 5, ये इसमें आएगा आपका फर्स्ट क्लास, इससे पहले वाली क्लास आ जाएगी आपकी 3 साल की और 2 में क्या आ जाएगी फर्स्ट और सेकंड आ जाएगी आपकी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एजुकेशन पॉलिसी चिल्ड्रन स्क्रैबल ऑन द वॉल एंड फ्लोर, ऑप्शन ए है दिस इज़ पार्ट ऑफ देयर एमरजेंट लिटरेसी, ऑप्शन बी है दिस इज़ पार्ट ऑफ देयर फंक्शनल लिटरेसी, ऑप्शन सी है दिस इज़ पोस्ट रीडिंग लिटरेसी एक्टिविटी, ऑप्शन डी है दिस इज़ वाइल रीडिंग लिटरेसी एक्टिविटी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी दिस इज़ पार्ट ऑफ देयर फंक्शनल लिटरेसी। स्क्रैबलर स्क्रैबल क्या होता है कि बच्चा ऐसे किरम काटे करता है ना बच्चा, और इसमें और ये जो बच्चा किरम काटे करता है ना स्क्रैबल करता है तो टीचर्स को लगता है कि बच्चे को बच्चा स्क्रैबल कर रहा है कि उसका कोई मीनिंग है, लेकिन बच्चा ये स्क्रैबल क्यों करता है वो एक उसका मीनिंग निकालता है इसलिए बच्चा क्या करता है स्क्रैबल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको एक फंक्शनल लिटरेसी माना गया है बच्चे की व्हाट डज मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुइज्म एम एट इन स्कूल एजुकेशन, ऑप्शन ए है चिल्ड्रन लर्न देयर मदर टंग एंड लर्न थ्रू देयर मदर टंग, ऑप्शन बी है चिल्ड्रन लर्न स्कूल लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी एंड लेटर फॉरेन लैंग्वेज, ऑप्शन सी है चिल्ड्रन लर्न द ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश एंड अ फॉरेन लैंग्वेज, ऑप्शन डी है चिल्ड्रन बिगेन देयर स्कूलिंग इन द मदर टंग एंड मूव ऑन टू लर्न मोर लैंग्वेजेस, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी चिल्ड्रन बिगेन देयर स्कूलिंग इन द मदर टंग एंड मूव ऑन टू लर्न मोर लैंग्वेजेस। चिल्ड्रन क्या करेंगे बिगेन देयर स्कूलिंग कहाँ से शुरू करेंगे स्कूल को अपनी मदर टंग से, और मदर टंग से किस पर मूव करेंगे बच्चे मोर लैंग्वेजेस, क्योंकि
ये आप ये बच्चों के लिए भी और टीचर के लिए भी एक रिसोर्स है, उनकी मदर टंग जो होती है बच्चों की, ये बच्चों के लिए भी और टीचर के लिए भी एक रिसोर्स का काम करती है, जिसकी सहायता से बच्चे उस चीज़ को सीखते हैं। जैसे टीचर TLM का यूज़ करता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उस TLM का जो उसको उसका जो नाम है, टीचर बच्चों को एक्सप्लेन करता है किसका नेम क्या है, तो बच्चे उसको क्या करेंगे, अपनी अपनी भाषा में उसका नाम देंगे। तो इससे टीचर को भी उसका एक रिसोर्स के रूप में उसको वो यूज़ करेगा, बच्चों को बताएगा कि हाँ उस भाषा में ये कहा जाता है, इस भाषा में ये कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर ऑर्गेनाइजेस अ पेयर वर्क इन द क्लासरूम, लर्नर्स आर गिवन अ सेट ऑफ 6 सेंटेंसेस एंड ईच लर्नर इन द पेयर has to read out the sentences alternately and the other learner write the sentences read out by the other. They complete the 6 sentences and read together taking turns. What is this task known as? इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट है आपका, ऑप्शन ए है टीचिंग स्पेलिंग, ऑप्शन बी है राइटिंग टास्क, ऑप्शन सी है रीडिंग टास्क, ऑप्शन डी है म्यूचुअल डिक्टेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास म्यूचुअल डिक्टेशन, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, म्यूचुअल डिक्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, ऑप्शन ए है ग्रामर लर्निंग इज असेंशियल फॉर लैंग्वेज लर्निंग, ऑप्शन बी है सम लैंग्वेज आर डिफिकल्ट टू लर्न, ऑप्शन सी है ऑल चिल्ड्रन लैंग्वेज इन द सेम मैनर, ऑप्शन डी है लैंग्वेज इज लर्न थ्रू यूज एंड एंगेजमेंट विद इट। राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका, लैंग्वेज इज लर्न, ऑप्शन डी लैंग्वेज इज लर्न थ्रू यूज एंड एंगेजमेंट विद इट। कौन सा ट्रू पूछा है इन्होंने, फर्स्ट में क्या दिया कि ग्रामर लर्निंग कब होगी ज़रूरी, लैंग्वेज लर्निंग में जब ग्रामर लर्निंग होगी तभी वो ज़रूरी होगी, ऐसा तो कुछ नहीं है आपका, क्योंकि बच्चे सबसे पहले क्या सीखते हैं, ग्रामर तो नहीं सीखते, क्या सीखते हैं अनौपचारिक भाषा सीखते हैं जो कि उनकी मदर टंग होती है, और सम लैंग्वेजेस आर डिफ़िकल्ट ये कहना बच्चों को ये भी नेगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर ऑफ क्लास 4 आस्क लर्नर्स टू डिस्कस एंड कलेक्ट वर्ड्स रिलेटिंग टू फूड एंड ईटिंग, शी देन आस्क हर लर्नर्स टू राइट देम ऑन चार्ट पेपर्स टू बी डिस्प्लेड ऑन द वॉल, व्हाट स्ट्रेटजी डिड शी अडॉप्ट टू प्रमोट वोकैबुलरी लर्निंग इन हर क्लास। इसमें क्या कहा है टीचर ने कि फूड एंड ईटिंग दो टॉपिक यहाँ पर दिया है, कि भोजन और खाना दिया है, यहाँ पर भोजन खाना ठीक है ये दिया है, एंड ऑप्शन ए क्या है इसका वोकैबुलरी थ्रू ग्रुप वर्क, सेम वर्ड दिए हैं, फूड भोजन है, ईटिंग क्या है उसका खाना है, बी हो जाएगा आपका वर्ड क्लस्टर, ऑप्शन सी है थीमेटिक अप्रोच, ऑप्शन डी है होल वर्ड अप्रोच, ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास बी वर्ड क्लस्टर। इसके क्या है इसमें कि जो आपके दो शब्द हैं इसमें इनको एक साथ जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर ऑफ क्लास 5 मेक्स हर लर्नर्स रीड द टंग ट्विस्टर सेंटेंसेज मैनी टाइम्स इन पेयर्स, व्हाट डज शी अटेम्प्ट्स टू टीच हर लर्नर्स, ऑप्शन ए है रीडिंग, ऑप्शन बी है प्रोनाउंसिएशन, ऑप्शन सी है स्पीकिंग, ऑप्शन डी है लिसनिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी प्रोनाउंसिएशन, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्नर्स ऑफ क्लास 4 आर आस्क्ड टू स्पीक टू देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट देयर चाइल्डहुड एंड सोशल लाइफ व्हेन दे वर चिल्ड्रन, दे हैव टू मेक एन ओरल प्रेजेंटेशन अबाउट देयर इंट्रैक्शन इन द क्लास रूम, लेटर दे मेक अ पोस्टर ऑन इट टू डिस्प्ले ऑन वॉल्स, व्हाट इज दिस एक्टिविटी नोन एज, ऑप्शन ए स्पीकिंग एक्टिविटी, ऑप्शन बी है राइटिंग एक्टिविटी, ऑप्शन सी है प्रोजेक्ट एक्टिविटी, ऑप्शन डी है ओरल डेवलपमेंट टास्क। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, इसको कहा जाएगा आपका प्रोजेक्ट वर्क, ये होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर ऑफ क्लास 3 गिव्स ईच ग्रुप ऑफ लर्नर्स अ वर्ड एंड आस्क हर लर्नर्स टू फाइंड द वर्ड्स विच कैन बी एडेड बिफोर और आफ्टर द गिवन वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड, व्हाट इज दिस नोन एज, ऑप्शन ए है
कॉलोकेशन, ऑप्शन बी है वर्ड वैप, ऑप्शन सी है वोकैबुलरी, ऑप्शन डी है थीमेटिक वर्ड्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन बी वर्ड वैप हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑप्शन ए है राइटिंग डेवलप्स अलोंग विद रीडिंग, ऑप्शन बी है रीडिंग डेवलप्स फर्स्ट फॉलो बाय राइटिंग, ऑप्शन सी है डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग टेक टाइम, ऑप्शन डी है राइटिंग डेवलप्स बिफोर रीडिंग। ये बताना है आपने कि क्या किससे पहले आते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? राइट ऑप्शन ए राइटिंग डेवलप्स अलोंग विद रीडिंग, जो आपकी राइटिंग है वो किससे किसके पहले किसके साथ होती है आपकी, वो रीडिंग्स के साथ ही डेवलप होती है। आपके पास फोर स्किल होती है, फोर स्किल आपके पास LSRW, ये आपकी लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, ये आपकी फोर स्किल्स जो आपकी होती है। इसमें स्पीकिंग और राइटिंग होती है आपकी, ये आपकी प्रोडक्टिव स्किल होती है, राइटिंग और स्पीकिंग प्रोडक्टिव। और जो आपकी लिसनिंग होती है और एक आपकी होती है रीडिंग होती है आपकी, ये कौन सी होती है आपके पास? ये रिसीव स्किल होती है आपके पास, जिसको आप रिसीव करते हो। स्किल से भी क्वेश्चन जो आपका पेपर में ज़रूर आता है। और इंग्लिश के जो टॉपिक है आपके, मैंने इसकी एक वीडियो बनाई हुई है अलग से कंटेंट की, जिसको आप ज़रूर देख लेना। उसमें आपका सारा कंटेंट मैंने करवाया हुआ है, नॉम चॉम्स्की, स्टीफन क्रैशंस और अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज की, उस पर भाषा पर वाइगोत्स्की के विचार क्या थे, जीन प्याजे के विचार क्या थे, ये सब मैंने करवाया हुआ है इंग्लिश वाला। आप वहाँ पर ज़रूर कर देख लेना उस वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिका इज़ अ टीचर ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, शी आस्क्ड हर लर्नर्स टू रीड अ टेक्स्ट लेसन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड सेट्स वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन टास्क टू लर्न बोथ द कंटेंट सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज, व्हाट इज़ दिस स्ट्रेटजी या प्रोसेस नोन एज? ऑप्शन ए है लर्निंग फ्रॉम रीडिंग, ऑप्शन बी है लर्निंग ज्योग्राफी, ऑप्शन सी है लर्निंग वर्ड्स, ऑप्शन डी है लर्निंग लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन डी लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर कलेक्ट्स द एरर्स कमिटेड बाय लर्नर्स इन राइटिंग बोथ स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर, शी डिस्कस विद हर लर्नर्स एवरी वीक विदाउट मेंटेनिंग हु कमिट्स सच एरर्स, व्हाट इज दिस नोन एज? ऑप्शन ए है रेमेडियल टीचिंग, ऑप्शन बी है प्रोवाइडिंग फीडबैक, ऑप्शन सी है इन्फॉर्मिंग द लर्नर्स दैट देयर एरर्स आर सीरियस, ऑप्शन डी है इन्फॉर्मिंग द लर्नर्स दैट एरर्स आर हिंड्रेंस लैंग्वेज लर्निंग। जो आपका हिंड्रेंस होता है, ये होता है आपका कि बाधा, किसी चीज़ में बाधा आना या बाधक का काम करना, ये होता है आपका हिंड्रेंस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग फीडबैक। क्वेश्चन क्या था इसमें कि अ टीचर कलेक्ट द एरर्स कमिटेड बाय लर्नर्स, क्या कर रहा है टीचर, किसको कलेक्ट कर रहा है टीचर? एरर्स को कलेक्ट कर रहा है। क्यों कलेक्ट कर रहा है? ताकि वो क्या कर सके, प्रोवाइडिंग फीडबैक, फीडबैक उनको प्रोवाइड करवा सके जो लर्नर्स हैं उनको। इसलिए वो क्या करता है उसमें, विदाउट मेंटेनिंग हु कमिट्स सच एरर्स, उनको क्या करता है वो, एवरी वीक उनकी एरर्स को भी ठीक करवाता है और विदाउट एनी किसी उनको टोंट किए कि तुम्हारी इतनी गलतियां, तुम ऐसे गलती करते हो, ऐसे टोंट किए बच्चों को, वो उनकी एरर्स को भी ठीक करवाते हैं वीक में उनकी, और प्रोवाइडिंग फीडबैक से ही काम वह करता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।